सबसे पहले तो गांव करोड़ा में जो संतों की तपस्थली रही है, ढाडेसर महाराज, लोकलनाथ जी महाराज, महाराज बाबा खेतानाथ जी, महाराज चरणनाथ जी, तो सबसे पहले तो इस गांव की धरती को, बुजुर्गों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज सुबह से हम बहरोड़ में अपनी संपर्क यात्रा को प्रारंभ करेंगे, तो टीम को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा शुभारंभ बहुत अच्छे गांव से करा। पूरे देश में चुनाव का माहौल है और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। डॉक्टर जसवंत जी सही कह रहे थे कि चुनाव लोकसभा का है और लोकसभा के चुनाव में भारत की सरकार बनाने का चुनाव। केंद्र की जो भारत सरकार है वो पूरे देश के लिए काम करती है। जो अलवर में भी चुना जाएगा, तमिलनाडु में भी चुना जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी चुना जाएगा, वो सब सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके नेतृत्व में भारत को बनाने के लिए कार्य करेंगे। इसलिए 400 की माला में एक फूल अपने अलवर का भी अपने को चढ़ाया। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, भारत सरकार के, केंद्र सरकार के चार बड़े कार्य रहते हैं। आपस का जो लोकल का विवाद और लोकल की जो रड़क निकालनी होती है, उसके लिए तो पंचायत का चुनाव काफी होता है। अपने शहर के विकास कार्यों में विधानसभा का चुनाव रहता है, लेकिन विकास कार्यों को सहयोग करने के लिए, विकास कार्यों की नीतियों को और पॉलिसी को लेने के लिए राज्यसभा और लोकसभा, राज्य विधान परिषद और लोकसभा के टीम के रूप में काम करता है। केंद्र की सरकार, भारत सरकार चार बड़ी चीजों को मोटे रूप में पूरे देश में काम को देती है। पहला, भारत सरकार क्योंकि पूरे भारत की मालिक होती है, तो उसका काम होता है कि अपनी देश की सीमाओं को दुनिया से सुरक्षित रखे। ये कोई हमारा गांव सुरक्षित रहेगा, राजस्थान सुरक्षित रहेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षित रहे। हमारा फौजियों का इलाका है, सैनिकों का इलाका है, और इसलिए इससे ज्यादा हमारे विषय को कौन समझ सकता है। 47 में जब देश का विभाजन हुआ तो इस देश की सीमाएं कृत्रिम रूप से बांधी गई, और उस समय नेहरू जी ने गलती करी कि जो भारत का अभिन्न हिस्सा था कश्मीर, उसको यूनाइटेड नेशन में लेकर के पंचायत में चले गए। 70 साल तक इस देश का कोई प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाया। जब निर्णय लेते थे, नौकरशाही हाथ को बांध देती थी कि साहब आप करोगे तो अमेरिका आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। 70 साल से लगातार पत्थरबाजी की घटना से, आतंकवाद की घटना से देश कराता रहा। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी था, उसका निर्णय लेने की शक्ति किसी में नहीं थी, पर भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा और निर्णयकारी नेतृत्व लेने वाले नरेंद्र मोदी जब आए तो 370 की कलम को समाप्त करके भारत को फेल करने का काम किया। भारत सरकार का दूसरा बड़ा काम है देश के लिए आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए, और आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आज हिंदुस्तान के हर कोने में जो एकता की आवाज आ रही, जो आगे बढ़ने की आवाज आ रही, उसका एकमात्र श्रेय जाता है तो मोदी की गारंटी को जाता है। भारत सरकार का तीसरा बड़ा काम है दुनिया के देशों के साथ भारत की विदेश नीति को अच्छा रखना, और इसलिए आपने देखा होगा कि G20 में पूरी दुनिया ने जिसके नेतृत्व को माना, वो नेता हमारा नरेंद्र मोदी देश का गर्व करने वाला है। और चौथा जो महत्वपूर्ण काम है वो है बजट की स्वीकृति। जो नहर हम लाना चाहते, जो जल जीवन मिशन हम लाना चाहते, जो गांव के विकास के लिए एक्सप्रेसवे को जोड़ना चाहते, महाराज जी कह रहे थे कि पनियाला मोड़ से दोनों हाईवे को जोड़ना, डॉक्टर जसवंत जी कह रहे थे कि नहर को ला, अभी विषय आया कि जल जीवन के विषय को, ये जो भारत सरकार का बजट है इसको भी
सभी राज्यों को देने का और विकास योजनाएं बना करके राज्यों के द्वारा नीचे लागू करने का काम ये भारत सरकार का काम है और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपके बजट और विकास को मोदी की गारंटी को अलवर तक लाने के लिए ही मैं आपके प्रत्याशी के रूप में हूं। और इसमें भूमिका में मेरे साथ मेरे जो टीम है वो टीम के साथ मिलकर मैं पूरे अलवर के विकास का कार्य करूं। आज कांग्रेस की हालत ये हो गई, मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के राजसमंद के उम्मीदवार टिकट छोड़ते विदेश भाषण जयपुर में खाजा पत्नी का बयान लगाया कि जी मेरे को तो जबरदस्ती टिकट दे दी, मैं तो लेना ही नहीं चाहता था। भीलवाड़ा ने उम्मीदवार बनाया, उसको बेइज्जत करके उसकी टिकट बदल दी। राजसमंद में सीपी जोशी कह रहे मेरे को किसने दे दिया, मैंने तो मांगा नहीं था। कोटा में पहला गुंजर चले गए तो ज्यादा विरोध तो शांति धारीवाल ही करने लग गए। कांग्रेस का टिकट छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और अपनी नीतियों में देश की रक्षा करने में, विदेश नीति में, भारत के बजट को ईमानदारी से देने में और कानून और व्यवस्था को बनाने में जो काले कारनामे 70 साल तक कांग्रेस ने किए, आज देश उसको छोड़ के और मोदी की गारंटी पे चलने को तैयार बैठा है। कितने चुनाव में लागू, और मैं ये कहना चाहता हूं कभी अटल जी के समय में सपना देखा था कि देश की नदियों को जोड़ा जाए, बड़ी बड़ी परियोजनाएं इस देश में बनी, बड़े बड़े विषय और विचार इस देश में बने, लेकिन लागू नहीं किए क्योंकि कांग्रेस ने कभी लागू नहीं किया। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मध्य प्रदेश का केन बेतवा का 40 साल तक दोनों नदियों का लिंकेज नहीं हुआ, मोदी जी की सरकार आई और उस योजना को सारी स्वीकृति के बाद आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसा ही विषय हमारे राजस्थान का था कि चंबल और उसकी सहायक नदियों का जो पानी है उसको जोड़ा जाए और उसको जोड़ने के बाद पूर्वी राजस्थान की धरती जो प्यासी है, पूर्वी राजस्थान की धरती में जहां पानी आना चाहिए वो जो पानी जो अतिरिक्त पानी है उस पानी को इन सारे जलाशयों में भरा जाए। और हमारा जो पुराना अलवर जिला है उसमें भी 6 बड़े तालाबों का चयन किया है जिससे हमारी धरती में पानी की कमी ना रहे। वही योजना ERCP है, गहलोत साहब ने तो लागू की नहीं, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने सरकार बनते ही मध्य प्रदेश के साथ लागू करी, ये 45 करोड़ की योजना लागू हो गई, ये मोदी की गारंटी। और उसी गारंटी को लेकर के, उसी विकास की गारंटी को लेकर के मैं आपके बीच में आया। मेरा लगातार सभी गांव में संपर्क रहता है, कारोड़ा में भी मैंने विद्यालय की चार दीवारी के लिए अपने संसदीय कोष से राशि करी, आसपास के गांव में भी मेरा सहज संपर्क रहा और सब लोग मेरे को लगातार मिलते रहे। इसमें कुछ मेरे मिलने के अनुभवी व्यक्ति भी, फिर भी जो कुछ लोगों के मैं संपर्क में आज आया हूं वो एक बार पूछते हैं कि भाई भूपेंद्र जी आपसे मिलेंगे कैसे, तो भाई मैंने सबसे एक ही बात कही है और हमारे कई लोगों का अनुभव भी है, तो सुबह बहुत जल्दी तैयार होने वाला तो एक ही है कि जितना पता कर लो कि मैं अपने अलवर के मकान में हूँ या दिल्ली के मकान में हूँ, बिना फोन करे बिना किसी की सिफारिश के सुबह 8 बजे मेरे घर पे आ जाना, मैं आप सबसे मिल लूंगा। आप सब कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आए, देश के प्रवास के हो तो बात अलग है, वरना सुबह 8 बजे मैं बिना अपॉइंटमेंट के अपनी अलवर की जनता की सेवा करने को तैयार हूँ। 9 बजे से भारत सरकार के कार्यालय खुलेंगे, उससे पहले मैं आपका अपना सारा काम करके सीधा मिलने के लिए तैयार। और मैं ये कहना चाहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 बड़ी बातें कही समाज कहे, हर समाज में अमीर और गरीब होते हैं, गरीब के कल्याण के लिए करता है। हर समाज में नौजवान होते हैं, उन युवाओं के सपनों को पूरा करने और उनके रोजगार को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हर समाज के पेट को पालन करने के लिए हमारा अन्नदाता होता है और जो हमारे अन्नदाता है किसान, उसके खेत की प्यास को बुझाने के लिए ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की सरकार है।
और समाज का जो बड़ा हिस्सा हमारी नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति के स्वाभिमान को जगा करके हर गांव में लखपति दीदी बनाने की गारंटी देने के लिए ये मोदी की गारंटी सरकार की है। और इसने एक नया शब्द निकाला है, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। ये जी वाई ए एन, ये जो ज्ञान है भारत को बढ़ाने का, यही नरेंद्र मोदी की गारंटी। और इसलिए इस गारंटी के लिए आने वाले 19 तारीख को कमल के निशान पे बटन दबाना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके भूपेंद्र को आपकी सेवा का एक मौका देना, मैं अलवर की धरती की प्यास और नौजवानों के सपने को पूरा करने का। अगर आप तैयार हो तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। भारत माता की जय। जय श्री राम।